जमिल्लिन बिसमीम नादिन कराम अपने बच्चों के साथ बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम क्यू टी वी पेश कर रहा है प्यारे नबी वम की प्यारी बातें कबल इसके हम प्रोग्राम शुरू करें सबसे पहले हजब रिवायत सब खिदमत में असल वरम्ल तबरक अस्सलाम व माशा सब तैयार तो हैं बिल्कुल गुफ्तु में शामिल होने के लिए और गुफ्तगु क्या है आज की आज की गुफ्तु करीम्लम की ज़ात के हवाले से कि हम ये देखें कि हजूर कैसे मजाक किया करते थे आसान उर्दू में बात कर रहा हूँ ना मजाक कैसे किया करते थे मजाक जानते हो ना हमारे यहाँ तो बड़े भोंडे मजाक होते हैं आपने देखा होगा के लोग अक्सर व बेशतर हमारे यहाँ मजाक करते हैं उसमें अखलाक का बातचीत का और अंदाज़ इंसल्टिंग होता है पता नहीं क्या क्या होता है लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मज़ाक कुर्बान जाए सुभान अल्लाह कितने प्यार से मजाक किया करते थे और किस खूबसूरत अंदाज से उसको हम आज देखेंगे ठीक है सब तैयार हैं बिल्कुल पूरी तवज्जो के साथ सुनना है फिर सवाल जवाब भी होंगे नाज़रीन मोज़त नाजरिन कराम हुज़ूर की ज़ात है क्या हुजूर हैं कौन हुजूर वो है कि जिनके लिए कुरान फरमाता है लक़त लकुम फी रसोल्ला हसना हुजूर की ज़ात वो है कि जिनकी जिंदगी को अपना कर हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं आज हम नाकाम क्यों हैं इसको कभी सोचें तो नाकामी का सबब क्या है क्योंकि अलैहि वसल्लम की जो तरीक़ा था जिंदगी का वो हमने छोड़ दिया अच्छा हुजूर की ज़िंदगी में बच्चों एक बात मैं आपसे कहता चलूं कि सब कुछ मिलता है हुजूर मज़ाक भी किया करते थे देखते हैं अभी मिसालें देते हैं कुछ एक नाबीना शख्स आया उसने कहा यार रसोल्लासलम क्या नाबीना जन्नत में जाएंगे मैं तो नाबीना हूँ नाबीना किसको बोलते हैं ब्लाइंड को जिसको नज़र ना आता हो स्पेशल पर्सन अल्लाह के नबी नबीम ने मुस्कुराते हुए कहा कि नहीं नहीं नाबीना कहाँ जाएंगे जन्नत में और देखो उस बच्ची ने कितना आसा कैसा मुंह बना लिया फ़ौर परेशानों के क्या ऐसे ही उस वक्त भी लोगों ने इसी तरह से हैरानी से कहा नाबीना जन्नत में जाएंगे। नहीं जाएंगे फिर हजू ने मुस्कुरा के कहा इसलिए नहीं जाएंगे कि अल्लाह ताला जन्नत में भेजने से पहले नाबीनाओं को आंखें दे देगा और वो आंख से देखते हुए जन्नत में जाएंगे अब मजा आया बात करने में देखा कैसे कैसे हज़ूसल्लम बात किया करते थे समझ में आई बात या नहीं आई अच्छा देखें तो इससे हमें यह सबक मिलता है तोज्जो चाहूँगा बेटा आप सबकी कि नबी अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को बहुत ही प्यार से बात किया करते थे उनके साथ और उन्हें बशारत देते थे बशारत किसको को कहते खुशखबरी देना उनको कोई ऐसी बात बताना जिससे वो खुश हो जाए उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए और लोग खुश हो जाएं तो नाबीनाओं को क्या बिशारत दी कि जन्नत में जाएंगे लेकिन अल्लाह उससे पहले उनकी आंखें लौटा देगा ठीक है बात वाजे हो गई तो एक बात अर्ज़ करता चलूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को अल्लाह ताला ने मुकम्मल बनाया और उन्होंने हमारी ज़िंदगी को मुकम्मल बनाया ऐसी एक औरत आई बड़ा एक और ज़बरदस्त वाक़ न में आ रहा है और वो औरत आकर कहती है यारसोसम साबियत थी कि यारसल्लम मेरे शौहर बहुत बीमार हैं आप उनके लिए दुआ फरमाइए ठीक है थीके? शोहर बीमार हैं दुआ फरमाइए हजूर सल्लम ने बड़े प्यार से फरमाया कहले अच्छा तुम्हारा शोहर वही है ना जिसकी आंख के अंदर सफ़ेदी है सफ़ेद है आँख कुछ समझ में आई बात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तो वो औरत बड़ी परेशान हुई कहें मैंने दुआ के लिए कहा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मुझसे कहा है चलो घर चली गई जहाँ सहाबी से कहा कि मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गई थी तो कहा फिर क्या हुआ कहा मैंने आपके लिए कहा कि आप बीमार हैं तो आप दुआ करें तो हुजूर सल्लल्लाहु तोलम ने फरमाया कि अच्छा तुम्हारी तुम्हारा मियाँ वही है ना जिसकी आँख सफ़ेद है अंदर से तो कहने लगे साहब ही हंसे बड़ी ज़ोर से कह लगे हजू सदरम ने तुमसे मजाक किया था अरे कौन है दुनिया में जिसकी आंख के अंदर सफ़ेद ही ना हो सफ़ेद है ना आंख या नहीं है तो हजू ने क्या किया मजाक किया था ना लेकिन कैसा मजाक किया था मजाग ऐसा मजाक था कि जिससे किसी को नुकसान नहीं हमारे यहाँ मजाक करते हैं क्या मजाक करते हैं किसी का मजाक उड़ाते हैं अरे देखो इसकी तो नाक टेढ़ी है अरे इसकी तो एक आंख छोटी है इसका रंग इतना काला है देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ ऐसा कोई मजाक नहीं मिलता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि अखलाक ही अखलाक था नबी करीम की जात में तो वहाँ हमें ऐसी चीज़ें नहीं मिलती नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और बड़ा प्यारा वाक़या याद आ गया भाई सुनोगे आप लोग बोलोगे तो नहीं सुनाऊंगा मैं ठीक है एक बुढ़िया आई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और कहने के रसुल्लाम यह बताइए क्या मैं जन्नत में जाऊंगी हजूर ने मुस्कुरा के देखा और यह फरमाया कि बूढ़े जन्नत में नहीं जाएंगे अब वो परेशान हो गई इतने परेशान हुई उसने कहा कि मैं बूढ़ी हूं मैं जन्नत में नहीं जाऊंगी इतनी परेशान ने महसूस कर लिया कि ये परेशान हो रही है फिर उसके बाद हुजूर मुस्कुराए और फरमाया कि जन्नत में जवान जाएंगे तुम्हारी जवानी लौटा दी जाएगी और तुम बुढ़ापे के बजाय जवान हो जाओगी और फिर जन्नत में सब चले जाएंगे और फिर जन्नत का सरदार कौन होंगे इमाम हसन और इमाम हुसैन रजील्ला तुम इसी इनको कहा जाता है सैदा शबाब हल जन्ना यानी जन्नती जवानों के सरदार ठीक है बात क्लियर हो गई तो हजूर ने कैसे मजाक किया ऐसा मजाक किया जिससे किसी को नुकसान नहीं पहुँचा जी हजूर ने ऐसा मजाक किया जिससे किसी को नुकसान नहीं पहुँचा और क्या सबक मिलता है आप बताइए और एक सच्चा मजाक किया था एक सच्चा मजाक किया था यानी हजूर ने कोई ऐसी बात नहीं की थी कि जिसमें कहीं बहुत अच्छी बात कही आपने भी कि कोई ऐसी बात हो जिसमें कहीं झूठ हो नवजबिल्लमिकजूल सल्लम तो सच ही सच थे सादि खामी थे तो सच ही सच बोलते थे वो नबी थे ना तो उन्होंने हमें भी ये सिखलाया कि कभी मजाक में भी झूठ नहीं बोलना ठीक है ना और क्या हमें आज की बात से क्योंकि इसके बाद हम सवाल जवाब की तरफ जाएंगे आज की बातों से क्या सबक मिलता है कि हजूर जब मुस्कुराते थे मजाक करते थे तो उसके अंदर क्या होता था सबको लेकर चलते थे सबके साथ इंटरेक्ट करते थे सबसे बातचीत करते थे किसी को यह नहीं दिखाते थे कि तुम कमता हो, तुम बढ़ता रहो यानी कोई बड़ा पैसे वाला आ गया तो उससे मजाक कर रहे हैं और जो गरीब आ गया तो हजूसलम ने मुंह फेर लिया सबसे प्यार से बात करते थे ठीक है यहां तक तो ये बात हो गई मुकम्मल अब हम चलेंगे जनाब सवाल जवाब की तरफ सवाल करेंगे कौन कौन करेंगे सवाल हम कौन हम बच्चे और जवाब मैं ग़रीब दूंगा आपको क्या मैं जवाब दूंगा अल्लाह नबी करवाएंगे तो बातचीत कर लेंगे ठीक है ना चलो भाई अब सवाल का तरीका ये होगा एक आप में से लड़कों में से एक बच्चियों में से एक बच्चों में से एक बच्चियों में से ठीक है चले सबसे पहले वहां से शुरू करेंगे बच्चियों से जो मजाक करते थे उसमें उनका मकसद क्या होता है बेटा उनका मकसद सिर्फ एक बात तरबियत कि वो हमारी तरबियत करें कि हमें मजाक में भी झूठ नहीं बोलना जी बेटा आप हम अगर आपस में मजाक किया करें तो कैसा किया जी बेटा बहुत बुनियादी सवाल है कि अगर हम आपस में भी मज़ाक करें तो उसमें कभी ऐसा ना हो कि जिसमें कोई बदतमीज़ी हो किसी का दिल खराब हो किसी का दिल टूट जाए कोई बुरा मान जाए अच्छा इस तरफ आ जाते हैं आज की जो गुफ्तगु थी हमने उससे आज क्या सीखा है हमने बेटा बुनियादी तौर पर यह सीखा है कि हमें एक दूसरे के साथ किस तरह का रवैया रखना चाहिए बात कैसी करनी चाहिए और अंदाज़ हमारा क्या हो क्या हमें ऐसा मजाक करना चाहिए कि किसी का दिल दुखे और अगर किसी का दिल दुख जाता है तो उससे फौरन माजरत करनी चाहिए या नहीं जी बेटा बहुत बुनियादी सवाल आपने किया हमें कभी ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए जिससे किसी का दिल दुखे और वाकई अगर हमसे ऐसी गलती हो जाए तो हमें माफ़ी मांग लेनी चाहिए जी लड़कों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहबा कराम थे वो आपस में किस तरीके से मजाक किया करते बेटा हमेशा वो मजाक करते हुए इस बात का ज़रूर ख्याल किया करते थे कि आवाज़ लहजा अंदाज़ सब वो उस मीयार का हो जिस मेयार की तरबियत नबी वसल्लम ने की थी अगर हम किसी का मजाक करें तो हमारी बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए बेटा बॉडी लैंग्वेज हमारी कभी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जिससे ये महसूस हो कि हम किसी को इंसल्ट कर रहे हैं या किसी को जलील कर रहे हैं या किसी को कमतर साबित कर रहे हैं क्योंकि नबी करीम ने मना फरमाया है ऐसे काम करने से जी बेटा आप सवाल करें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से क्यों मजाक किया करते थे बच्चों से इसलिए मजाक किया करते थे बच्चे बड़े मासूम होते थे फिर उनके सवाल के बाद जवाब भी उनके बड़े मासूम होते थे जैसे आप लोग की हंसी जैसे मैंने कहा था ना वो हजूर ने जब कहा था कि नाबीना जन्नत में नहीं जाएंगे या बूढ़े जन्नत में नहीं जाएंगे तो हजूर ने जब कह दिया तो अब लोग परेशान हुए तो हजूर मुस्कुराए करते थे अक्सर जी बेटा आपने ये तो बता दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि सलील वसम सबराम से भी मज़ाक किया करते थे क्या कभी सबक्राम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मजाक किया है हाँ हजूर करीब वसम के बारगाह में सहाबा भी ऐसा होता था कि कभी कभी मैं एक वाक़ बयान करूँ लेकिन चूंकि वक्त बिल्कुल नहीं है एक सहाबी सहाबीत सहेबिर रूमी रम् रजील तु आए और उनकी आँख में तकलीफ़ थी और आने के बाद जल्दी जल्दी उन्होंने ससम के साथ सहाबा बैठे हुए थे और वो कहाँ से आए थे मक्के से कुबा कुबा से बैठ कर वहाँ पर खा रहे हैं खजूरें जल्दी जल्दी तो अरब में ये होता है कि जिसकी आँख की आँख खराब हो या आँख में दर्द हो तो खजूर नहीं खाते तो जल्दी जल्दी इन्होंने सुहैब रूमी ने खजूर खाना शुरू कर दी तो हज़रत उमर रजील्ला ने कहा या रसोसम देखा आपने किहैब आँख इनकी ख़राब है और ये खजूरें खा रहे हैं तो रसोल ने फ़रमाया कि भाई ये खजूर तुम्हारी आँख खराब है कहा यारसो सलम जिस तरफ से मेरी एक आँख खराब है ना मैं उस तरफ से नहीं खा रहा मैं दूसरी तरफ से खजूर खा रहा हूँ तो हजू वसलम मुस्कुराने लगे तो साहबा भी मज़ार किया करते थे तो पता ये चला कि हमें अपने मजाक में भी इस बात का ख्याल रखना है कि किसी की दिला आजारी ना हो किसी से झूठ ना बोलें किसी को तकलीफ़ ना दें ये जो अप्रैल फूल मनाते हैं ना मज़ाक करते हैं लोगों की जान भी ले लेते हैं लोग अप्रैल फूल के अंदर तकलीफ़ देते हैं हार्ट अटैक भी हो जाते हैं लोगों को और बहुत सारे वाक़त रिपोर्ट होते हैं इसीलिए अल्लाह के नबी वसल्लम ने कभी भी इस बात की इजाज़त नहीं दी कि माशरे को मज़ाक में या संजीदगी में कोई तकलीफ़ पहुँचे इन्हीं जुमलों के साथ हम आगे बढ़ेंगे और आपसे ये तो करेंगे और अपने आप से भी कि हम हजूर की ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें और आगे बढ़ते हुए इन बच्चों से एक सवाल करते हुए हम इजाज़त लेंगे आपसे कि बेटा आपका क्या सवाल है, जहन में आता है सारी बातों से आपके जहन में क्या बात आती है आप से बच्चों का भी था बहुत सारे वाक थे। बच्चे भी प्यार से हजूर से बात किया करते थे बुरा थोड़ी मानते थे जी बेटा आपके जहन में क्या सवाल आता है जो जिंदगी है उससे हम क्या सीख हम हजूर करीम वसलम की ज़िंदगी से बहुत अहम सबक सीखते हैं जो आज की गुफ्तु का है कि किसी की दिल आज़ारी ना करें किसी का मजाक ना उड़ाएँ किसी से झूठ ना बोलें किसी से नफरत ना करें और फिर ख़ास तौर पर बच्चों आप लोगों से मैं कहूँगा कि अभी आपकी तरबियत हो रही है अपने माँ बाप का कहा सुने और कभी किसी के सामने या किसी कभी किसी के पीछे उसका मज़ाक ना उड़ाएँ अल्लाह पसंद नहीं करता और इन्हीं जुमलों के साथ हम आगे बढ़ें कि अल्लाह के नबी वसलम की हयात तयबा हमारी ज़िंदगी का वो रोशन मीनारा है कि जिसे देख हम मंजिल पा सकते हैं इन जुमलों के साथ हम इन ताला आज की इस महफ़िल को इस एतबार से आगे बढ़ाएंगे अगली नशस्त में कि हमें हज़ू की सीरत की जो बुनियादी तरबियत मिलती है वो ये कि प्यारे नबी की सल्लम प्यारी बातें इजाज़त दीजिए असलमकूम वरम त बरको वालेकुम वरह वक्त अब तो रहता है।